जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, ये वीडियो स्पेशल उन कैंडिडेट के लिए रहने वाली है जिनके एसएससी जीडी में कम मार्क्स आए और उन्हें लगता है कि मेरा सिलेक्शन शायद एसएससी जीडी में इस बार नहीं हो पाएगा, तो उन सभी कैंडिडेट के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल रहने वाली है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जामिनेशन दोबारा से देने का अगर मौका मिले तो आप कैसा स्कोर करोगे, क्या सिलेक्शन ले पाओगे, तो मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा यस, आराम से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है। अगर आपको भी दोबारा मौका मिलता है तो यहाँ पे आप औरों से बहुत अच्छा बेटर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि आपको एक ऐसा ही मौका यहाँ पे एक मिल रहा है। आप सभी को बता दें कि हाल ही में सीआरपीएफ की तरफ से 9212 वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस हर एक चीज मैच खाती है एसएससी जीडी कांस्टेबल से, यानी कि कुछ भी उसमें चेंज नहीं है, बिल्कुल आपका सेम टू सेम आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल वाला एग्जाम पैटर्न, बात कर लें फिजिकल, बात कर लें हाइट, चेस्ट, सारी चीजें जो रहने वाली हैं वो बिल्कुल हुबहू रहने वाली हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की तरह। यानी कि अगर आपने एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 की एग्जामिनेशन की तैयारी करके अगर उसका एग्जामिनेशन दिया है, फिर भी अगर इन केस किसी भी मिस्टेक की वजह से अगर आपका एग्जाम खराब हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी को बता दें कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म 27 मार्च से भरना स्टार्ट हो जाएंगे और सेम प्रोसीजर रखा गया है, 18 से 23 साल एज रहेगी। हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो केवल 10th पास आपके पास हो, आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ट्रेड्समैन में ज्यादातर आपको देखने के लिए मिलता है कि आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए या आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, बट यहाँ पे कोई आईटीआई सर्टिफिकेट, किसी भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की आपको कोई जरूरत नहीं है। केवल अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आपके लिए रहेंगी, कुछ पोस्ट के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में, जो कि एसएससी जीडी में रहती है, और कुछ पोस्ट के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग आपको कंप्लीट करनी होगी। तो ट्रेड्स की बहुत सारी वैकेंसी अलग अलग स्टेट के लिए वैकेंसी निकली हुई है और इसकी जो कट ऑफ तैयार होगी वो भी आपकी स्टेट वाइज होगी। यानी कि एसएससी जीडी का सेम कॉपी आप समझ सकते हैं। पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा तो आपकी तैयारी ऑलरेडी रिटन एग्जामिनेशन की काफी हद तक हो चुकी है। अगर आप चीजों को रिवाइज करेंगे तो आप ये समझो कि आप और कैंडिडेट से बहुत आगे रहेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी आप सभी को मिल रही है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट जरूर उठाएं। और 27 मार्च से जैसे इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो, आप सभी को इसके लिए फॉर्म अप्लाई जरूर कर देना है। इसकी उम्र सीमा की अगर मैं बात करूं तो 1 अगस्त 2023 से इसकी उम्र की गणना होगी। हाइट, चेस्ट क्राइटेरिया, एसएससी जीडी में अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया तो सेम वही क्राइटेरिया, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मैंने एक डिटेल वीडियो बना दी, उसे जाके देख लेना, मैंने उसमें हर एक चीज आपके साथ डिस्कस की है। सिलेबस सेम आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल वाला है, बाकी की चीज भी आपकी एसएससी जीडी कांस्टेबल जैसी ही रहने वाली है। 10th लेवल की एग्जामिनेशन होगा तो 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 4 आपके सब्जेक्ट रहेंगे जैसे रीजनिंग, मैथ, जीके, हिंदी, इंग्लिश में से एक ऑप्शनल रहेगा। तो ये पूरा प्रोसीजर रहने वाला है, पहले रिटन एग्जामिनेशन रहेगा। तो फटाफट से जाके आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर देना जब भी इसकी लिंक एक्टिवेट हो जाए। इससे रिलेटेड बाकी की जो भी चीजें होंगी मैं आप सभी को प्रोवाइड कराता रहूंगा। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है जो कि सीआरपीएफ में शायद ही आपने इस तरीके से देखने के लिए मिली हो, क्योंकि काफी लंबे समय से आप जानते हैं कि एसएससी एग्जामिनेशन करवाती है कांस्टेबल का और ट्रेड्समैन में इतनी बड़ी वैकेंसी आती नहीं है। तो ट्रेड्समैन के लिए केवल 9212 वैकेंसी बहुत बड़ी बात अपने आप में होती है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, इस मौके को आपको जाने नहीं देना है। और जिन लोगों को भी फॉर्म अप्लाई करना है वो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें ताकि आप और लोगों से एक कदम आगे रहें। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही अच्छी वीडियो रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि फ्यूचर में भी आप सभी को ऐसी अपडेट रेगुलर मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।